सो हेलो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर रिएक्शन वीडियो। मैं आपका दोस्त ऋषि सिंह और मैं ऋषि की मम्मी अनिता विनाश, हम आपका दिल से स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल ऋषिज वर्ल्ड। आई होप गाइस आप सब होंगे बहुत ही बेहतरीन और रख रहे हैं अपनी फैमिली का ख्याल। तो गाइस हम दोबारा से आ गए हैं आपके फरमाइश वाले गाने के ऊपर, मतलब ये ट्रेंडिंग भी है, हमारा फेवरेट भी है और ये रिक्वेस्टिंग सॉन्ग भी है, तीनों ही चीज है मम्मी। गुलजार भाई का गाना आउट हो चुका है और बहुत ही जबरदस्त है, ट्रेंडिंग में भी आ चुका है और आज ये गाना है और गाने का नाम है टायर फट गए। तो मतलब टायर फट गए से क्या मतलब समझ आता है आपको? गाड़ी के टायर फट गए। अभी तो टायर फटने के समझ आ रहा, बाकी तो गाना देखेंगे तो बताएगा कि भैया मतलब है क्या। और गुलजार जब भी कोई गाना रिलीज करता है ना, तो हमें तो सबसे पहले डर लगा रहता है कि भाई गाना ब्लॉक ना हो जाए, पर भगवान ना करे गाना ब्लॉक और ये वीडियो आपके पास पहुंचेगी। तो हम ये बताना चाहते हैं, हम गुलजार को बहुत पसंद करते हैं और इनके गाने बहुत अच्छे होते हैं, तो मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ उनके गाने पर रिएक्शन करने के लिए। पे तो मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, पहले मैं इस गाने पर रिएक्शन करना चाहूंगा। मैं तो यही कहूंगी कि टायर फट गए का मतलब तो यही होता है कि शायद वो किसी लड़की को मिलने जा रहा होगा और टायर फट गए होंगे गाड़ी के, शायद मेरे को तो यही लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद बदमाशी गुंडों वाली बात को बात होगी और गोली मार के टायर फाड़ दूंगी। हाँ, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। जब हम देखेंगे गाना देखेंगे फिर हम रिएक्शन बताएंगे कि उसमें क्या है। तो पहले देखें। हाँ बिल्कुल। तो ज्यादा बात नहीं करते, सीधा गाने की तरफ चलते। सबसे पहले बताता हूँ वीडियो एंड तक देखना और अभी तक नहीं करा आपने चैनल को सब्सक्राइब, और चैनल पे आप नए होते हो और बिना किसी रोक टोक के चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, साथ का नोटिफिकेशन बेल दबा देना। उससे क्या होगा हमारी वीडियो सबसे पहले आपके पास आएगी। और अगर आप चाहते हो मैं थी आपके बताए गाने पर रिएक्शन देते रहे तो मुझे इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो कर लो। उससे क्या होगा हम आपके बताए गाने पर रिएक्शन जरूर करेंगे। तो बिना किसी देर के स्टार्ट करें, चलो जी लेट्स गो। तेरे आले फटफटे तो बोले टिकटॉक पे, मेरे आले कांड करे डाठा मार के, बोल देने रोक गिरे बाबू वाली बात, बेटा फायदा कोना गोबर में पाठा मार के, बैर में मिलेंगे तने ठेंगे लाडले, जो प्यार से रहेगा प्यार देंगे लाडले, जो आए तू गया है गमाल सोन मरा तने बिंडिया वाली फिल्म दिखावांगे। मन सोची गिरे गुंडे गांडे आवेंगे, कितने सर्कला में फोन से घुमावेंगे, दूसरे मेरा चाल तेरी घड़ी देखिए, आंगन में रेंज काली खड़ी देखिए, छत्तीस बिरादरी का राख्या भाईचारा, ब्यूटी पार्लर आंख को ना लड़ी देखिए, इबे गया तो टोप आला बहम पाल रहा, तेरे फूफे ना ना मौत इबे आई लाडले, यूपी आले कट्टे भी से महंगे लाग दे, पिच खारिया बमार ले ट्राई लाडले, लिखा गेला नागनी जलीन छोरे रागनी में, लिखा गेला नागनी जलीन छोरे रागनी में, बाज दीना हाथ आव चौथा गैर में, देखिए रबरी नारे रवैरी नारे तलाया आज ये मेरा लाग जाना छिट्टे खूने आले टैर पे, देखिए रवैरी नारे तलाया आज ये मेरा लाग जाना छिट्टे खूने आले टैर पे। सेंसिबल सॉन्ग लिखता है बंदा, ऐसी बात नहीं है। ट्रेंडिंग में गाने चाल दे पर बालका बल को कदे छाती तान दा, वो तो बुजुर्ग की लाज खागी मन नी ते तेरा ते भी बुंडी सु सुनानी जानदा, वो तो बुजुर्ग की लाज खागी मन नी ते तेरा ते भी बुंडी सु सुनानी जानदा, छोरी यार रोला में ना यार टोकिए, जो ठोकना सा लागा माथे कट्टा ठोकिए, छोरी यार रोला में ना यार टोकिए, ठोकना जे लागा माथे कट्टा ठोकिए, रिपीट पाछे मार गए बने सुरमा, जे मारे पाछे मने तने भूख लाग जा, करा खालिए रजा के माई देवे चूरमा, जे मारे पाछे मने तने भूख लाग जा, करा खालिए रजा के माई देवे चूरमा, रवा यागा तो जहर भी खाल्या लाग दरे, पर बैरिया का खांदे लून भी कोन्या, और चूरमा वाली बात हो रहा है क्यों कही है,
क्यों के बदमाश तरह पिप्या मत सुन भी को न्या राम थान देवा गार टॉप का स्टैंड वाला ताल बाजी आले लाने गरे छोड़ दो करना कंपीट थान जैसा छानी आला पहला नर्सरी से राय में आले परे छोड़ दो करना कंपीट थान जैसा छानी आला पहला नर्सरी से राय में आले परे छोड़ दो रे बच्चा बच्चा गाड़ी का सा गिल्ला भाग रहा सुनू मैं से शहर का वल्ले लाग रहा बच्चा बच्चा गाड़ी का सा गिल्ला भाग रहा जड़ू मैं से शहर का वल्ले लाग रहा थोड़ा डट रवो भी तो न बन के दिखावांगे मन सोची गेरा गुंडे गांडे आवेंगे कितने सर्कला में फोन से घुमावेंगे साढ़े दूसरे दिन आके चले माफी चाट गे मगा गुरु कित बोले उके डेर पाट गे मन सोची गेरा गुंडे गांडे आवेंगे कितने सर्कला में फोन से घुमावेंगे साढ़े चले आके दूसरे दिन माफी चाट गे मगा गुरु कित बोले उके डेर पाट गे नाइस बहुत बढ़िया बहुत शानदार तेरा भाई गुलजार जय हरियाणा बहुत बढ़िया। सो यार गाइस बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही मीनिंगफुल गाना मुझे तो ऐसा लगा ये गाना भी है और किसी को रिप्लाई भी है। बहुत सारी बातें हैं कुछ नहीं बहुत सारी बातें इसके अंदर बोली है जहां जहां तक मुझे लगी है कि इसके अंदर मुझे बात बहुत प्यारी लगी कि हमने ऐसे ही ब्यूटी पार्लर के चक्कर नहीं काटे हमने अपने भाइयों के साथ रहे हैं वो लाइन मुझे बहुत बेहतरीन लगी कि लड़कियों के चक्कर में नहीं रहे हम भाईचारे में रहे और हमने भाईचारा निभाया हमारी जो इमेज है वो एकदम क्लीन है। गामा वाले छोरों का हिसाब किताब ऐसा रहता भी है हकीकत है। और दूसरी इन्होंने एक चीज बोली थी कि मैंने नागिनी के अंदर रागिनी सुन के लिखा मतलब नागिनी का गाना आया था मम्मी बहुत बढ़िया गाना था और अगर आप रिक्वेस्ट करोगे तो हम उस पर भी रिएक्शन करेंगे अगर हमारा कॉपीराइट नहीं लगेगा। तो रागिनी इनके यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा फेमस फोक सॉन्ग है जिसके अंदर बहुत ही सुंदर सुंदर मतलब चीज़ें बोली जाती हैं जिसको सीखकर आधा हरियाणा सीखता है तो उसका नाम लिया बहुत बेहतरीन और बड़ी मजेदार लाइन में गैंगस्टर लाइन को इसने बोला है कि पहले तो तू बड़ी हवाबाजी कर रहा था तू बोल रहा था भाई तुझे मार दूंगा तूने सर्कल में फोन भी घुमा लिए चार पांच जगह हाथवाद भी मार लिए अब भाई तेरी मेरे से क्यों फट रही है मतलब अब तेरी मेरे से क्यों फट रही है अब पहले तो तुमने तू बोल रहा था अब तू मुझे गुरु कैसे बापू बोल रहा भाई अब तेरे टायर फाट गए अब टायर फाट गए को भैया क्या बोल रहा था वो आप अंदाजा लगा लो बहुत बेहतरीन है। तो ओवरऑल सर्कल की बात करिए ओवरऑल हरियाणा की बात करिए कि भाईचारे को बढ़ावा दिया है इस गाने के अंदर और लास्ट में ये भी बोला है कि भाई अगर तुझे मेरे पे इतना यकीन है ना कि मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ तू मेरे घर भी चला जाएगा ना मेरे पीछे थे और मेरी माँ को बोलेगा भूख लग रही तो मेरी माँ देसी घी का चूरमा बनाएगी तुझे बहुत बेहतरीन और बहुत शानदार। और लास्ट में मजाक में ये भी बोल दिया कि तेरे को पता है ये बात मैंने तुझे क्यों बोली है क्यों मुझे पता तेरे घर में आटा भी नहीं होगा तो आप कुछ कहना चाहते हो बता दो। मैं तो यही कहूंगी सबसे पहली बात तो गुलजार के लिए सबसे पहले मैं तो ये कहूंगी कि ये राजस्थान का लड़का है हाँ। ये राजस्थान का लड़का और हरियाणा में घुसा हुआ है हरियाणा में रहता और है और हरियाणा की भाषा पूरी जानता है और हरियाणा का ही सारा लैंग्वेज सारी हरियाणा की बोलता है। और दूसरी बात यह है कि इसने गाना इतना जबरदस्त बोला है कि सबसे अच्छी बात तो मुझे वही वाली आपकी बात लगी है कि अगर तो मेरे को मारने के बाद भी अगर तेरे को भूख लगेगी ना तो मेरी माँ चूरमा तेरे को जरूर देगी जरूर और दूसरी बात ये कहता है कि तू इतनी बड़ी बड़ी बातें करता है ना तो मैं भी बातें करना बहुत जानता हूँ मुझे बुजुर्गों का ख्याल मारता है बहुत जबरदस्त बहुत सबसे ज्यादा उनकी इज्जत मारती है उनका लिहाज मारता है शर्म मारती है। कई बार कहते हैं ना कि खाने वाले का तो मुंह खाता रहता है और आंखें शर्माती हैं हाँ। तो उसकी आंखें शर्मा रही थी और उसकी आंखें जो शर्मा रही थी मुझे बहुत अच्छा लगा इतना जबरदस्त गाना लगा ओवरऑल गाना पूरा ही समझ में आया बहुत अच्छा गाना समझ में आया। आई होप मैं एक ही बात कहूंगी कि लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा जो प्यार में है वो वही बात भी बोल रहा है वो बात भी आपको सिखा रहा है उसने भी वही बात कही है कि राम राम और जो बात प्यार में है ना प्यार से बढ़कर तो कोई चीज है ही नहीं सबसे अच्छा प्यार और लड़ाई झगड़े में तो कुछ भी नहीं है। बहुत अच्छा गाना लगा मुझे गुलजार का क्योंकि उसकी जो भाषा है ना वो मुझे उसकी भाषा बहुत ही हरियाणा वाली लगती है। तो यार गाइस मैं आपको बता देता हूँ गुलजार की क्वालिटी है कि हर एक सॉन्ग को बहुत ही मीनिंगफुल तरीके से लिखते हैं और लोगों को ये गाने पसंद भी आते हैं और लोग इनको प्यार भी बहुत करते हैं और हम भी इनको बहुत प्यार करते हैं उनके गाने हम इंजॉय करते हैं। आई होप आपको ये गाना और हमारा रिएक्शन 1% भी अच्छा लगा हो। तो सबसे पहले गुलजार के जितने फैंस हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना और साथ के साथ नोटिफिकेशन बेल दबा देना उससे क्या होगा हमारी वीडियो सबसे पहले आपके पास आएगी। और अगर आप चाहते हो कि हम ऐसे आपके बताए गानों पर रिएक्शन देते रहे तो मुझे
इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करना, उससे क्या होगा हम आपके बताएगा रिएक्शन जरूर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हरियाणा, जय हरियाणा।